अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आप सबका एक बार स्वागत है जेड एन कुकिंग में। तो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे और बहुत ही बेहतरीन, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले ये सैंडविचेस है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। पहले इसके लिए हमने क्या क्या लिया है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स है, ये देखिए, ये मेरे फ्रेश ब्रेड थे जिसे मैंने मिक्सर में से इस तरह से दरदरा सा पीस के इसका ब्रेड क्रम्स बना लिया है। और यहाँ मैंने लिए है बॉइल पोटैटो या बॉइल आलू है, जो मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट करके इसे सिर्फ नमक के साथ में थोड़ा सा 70% तक कर दिया है। और ये मोज़रेला चीज़ है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं ऐड करना है, आपके पास नहीं है, तो इसके बिना भी ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनते, मेरे पास था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये टोमेटो केचप है जो मैंने 2 टेबल स्पून भर कर लिया है। और यहाँ मैंने लिया है मेयोनीज़ है, ये जो मैंने लगभग पाउंड कटोरी तक लिया है। और ये मैंने अंडे लिए थे, 3 अंडे हैं जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट करके रखा है जो आगे यूज होंगे। और यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी भरकर कैबेज है जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में बारीक चॉप कर धोकर रख दिया है। एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर दिया है। और एक बड़े साइज की शिमला मिर्ची थी जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा जूलियन में कट कर दिया है। आप इसके अंदर आप इसके अंदर गाजर भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें फरस भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जो चाहे वो सब्जी अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये 3 वेजेस थे इसलिए मैं ये 3 ही यूज करूंगी। और यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भरकर काली मिर्चों का पाउडर है, ये फिर फ्रेश कूटा हुआ है। और ये मैंने एक नमक लिया है अपने टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ मैंने लिए है चिली फ्लेक्स है, ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिए है। तब और यहाँ मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। तो यहाँ मैं एक बाउल ले लूंगी जिसके अंदर हम सबसे पहले अब मैं इसके अंदर ये पूरे वेजेस ऐड कर दूंगी जो हमने पूरे धोकर लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने आलू लिए है वो आलू ऐड कर देंगे। बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग से ये सैंडविचेस है, आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। अब मैं इसमें ये जो टोमेटो केचप हमने लिया है 2 टेबल स्पून भरकर ऐड कर दूंगी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक हम ऐड करेंगे। और मैं इसमें और काली मिर्चों का जो पाउडर है वो भी हम तो बिल्कुल थोड़ा सा बचा लेंगे, बाकी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह से झटक कर और साफ करके डालें। और उसके बाद हमने जो ये मेयोनीज ली है 1 कटोरी, वो पूरा हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें एक बाइंडिंग आने तक। अगर मेयोनीज आपको कम लगे तो आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून भरकर आप इसमें शेजवान चटनी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे इसमें और मेयोनीज़ की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी। ये हमारी जो बैटर है, जो बाइंडिंग है, हमारी पूरी तरह से बन गई है। अब मैं इसे साइड में रख दूँगी और जो मैदा मैंने आपको बताया था वो हम यहाँ ले लेंगे। तो जो मैदा हमने लिया था 1 कटोरी, उसे मैंने छान कर एक बाउल में निकाल लिया है। और जो हमने ये नमक, काली मिर्ची का पाउडर और जो मैंने यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, ये सब हम अपने ये मैदा जो है उसमें ऐड कर देंगे। मसालों को आप अच्छी तरह से झटक कर और साफ करके डालें ताकि हमारे जो सैंडविच की कवर है वो फीकी फीकी सी ना लगे। अब हम इसका एक पतला सा घोल बना लेंगे, एक लई के जैसा हम इसका घोल बना लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? आपने मेरी कौन कौन सी रेसिपीज को ट्राई किया है? अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं हर वक्त यही कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल घरेलू चीज़ें से बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपीज लेकर आओ, इसलिए मैं हर बार कुछ नया ट्राई करती हूँ, कुछ नया लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर यूँ ही बने रहिए और मेरी रेसिपीज़ को आप फुल वॉच कीजिए, इसे ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए।
मैंने यहाँ एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। और मैं आपको ब्रेड बताना भूल गए थे, ये हमारी मेन चीज़ है, मैं यही भूल गई आपको बताना। तो मैंने इस तरह की ब्रेड ली है और हमें ये ब्रेड को इस तरह से रख कर इसके ऊपर जो हमने फीलिंग बनाई है वेजिस की, अच्छी तरह से पूरे ब्रेड पर कवर कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी फीलिंग बनी है, आप इसे जब बनाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। ये बहुत टेस्टी से हमारे सैंडविच बनने वाले हैं, तो हमें इसे अच्छी तरह से पूरे ब्रेड पर कवर कर देना है। और जब ये फ्राई होंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं, और ये जो हमारी वेजिस है अच्छी अंदर फ्राई करने के बाद में अच्छी क्रंची सी हो जाती है ये, तो इसका बहुत ज़बरदस्त ये टेस्ट देती है। बस इस तरह से हम ये जो अंडे के स्लाइस मैंने लिए हैं वो मैं इस तरह से इस पर लगा दूंगी, आपकी मर्जी है आप कम ज़्यादा इसमें लगा सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसके बिना भी मैंने पहले भी बताया है ये चीज़ ये सैंडविच उतने ही टेस्टी लगते हैं। और ऑयल हमें जो है वो अच्छी तरह से गर्म करना है ताकि हमारे जो ब्रेड है वो ऑयल सोक ना करे। ये देखिए हमें इसे अच्छी तरह से लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ हम इस पर ऐड करेंगे। आप आपकी मर्जी के मुताबिक अंडे की स्लाइस ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया है। अब हम इसे प्रेस कर देंगे और जो ये घोल हमने बनाया है उसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे, ये जो हमने मैदे की लई बनाई है या जो मैदे का घोल हमने बनाया है, हम इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से इसे इसमें बिल्कुल दबाते हुए और समाप्त कर इसमें से हमें कोट कर देंगे। और उसके बाद हम जो ये क्रम कोट लिया है हमने ब्रेड क्रम्स, वो उसमें हम हमारी जो ये ब्रेड है इसे अच्छी तरह से लगा कर, अब हमारा ऑयल भी जो है वो अच्छे से गर्म हो गई है। आप ये प्रोसेस बिल्कुल संभाल कर करना, ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है इसलिए इसे इसका टूटने का डर होता है। ये बहुत ही क्रिस्पी होती है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती। ये देखिए अब मैं इसे, ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे, हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है और हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल टर्न नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो देखिए इसे डालते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। अब हम इस तरह से 2 चम्मच की मदद से इसे बिल्कुल आहिस्ता से हमें इसे टर्न करना है और दोनों तरफ से इसे, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसमें कलर आया है। बस इसी तरह से हमें दोनों साइड्स की क्रिस्पी कर लेनी है, तब तक हम फ्राई करेंगे। अब मैं और एक बना लेती हूँ फिर आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए बस इसी तरह का हमें गोल्डन होने तक दूसरी साइड भी इसकी सेक लेनी है। तो देखिए माशाल्लाह ये जो सैंडविच है ये दोनों साइड से हमारा पूरी तरह से इसने गोल्डन कलर ले लिया है। अब मैं इसे निकाल कर दूसरा सैंडविच हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी से सैंडविच हमारे बन गए हैं। इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं, हमारे बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिया है ब्रेड ने। ये देखिए मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं कितने यम्मी और कितने टेस्टी और कितने कलरफुल हमारी ये सैंडविच है और कितने क्रिस्पी है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, आप देख सकते हैं, और इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिया है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, आपकी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।